बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। इसको हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इसके डिफिनेशन और एक्सप्लेनेशन से इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ेंगे, वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो हम आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद इसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप्स पढ़ेंगे, इन पीरियड्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म केटायन। आयनाइजेशन एनर्जी इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म केटायन। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हम किसी एटम को देते हैं ताकि इसके वैलेंस शेल से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। एटम को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिकल चार्ज टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम एटम से एक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव कर सकते हैं, थ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव कर सकते हैं और इससे ज्यादा भी। तो जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं एटम से, तो उसके लिए जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मैग्नीशियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो ये इसकी हो गई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी व्हिच इज प्लस 738 किलोजूल पर मोल। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम इज कॉल्ड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। मैग्नीशियम से हमने जब ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके लिए जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की तो वो हो गई हमारे पास सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर आप गौर कर ले तो ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास है 1450, जबकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास है 738 किलोजूल पर मोल। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एंड इस तरह थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। ये इसलिए क्योंकि इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, सही है, तो न्यूक्लियस दो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया, हमने इसका फोर्स बढ़ा दिया, हमने एनर्जी प्रोवाइड की, हमने न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब न्यूक्लियस एक ही इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो अब जब न्यूक्लियस दो की बजाय एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको न्यूक्लियस से, उसके वैलेंस शेल से हटाने के लिए। तो ये हमारे पास हो जाएगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड एन आइडिया ऑफ मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास मेटालिक करेक्टर के बारे में भी आइडिया प्रोवाइड करती है। जिस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसका मेटालिक करेक्टर कम होगा। जिस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसका मेटालिक करेक्टर कम होगा। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है उसका मेटालिक करेक्टर ज्यादा है। क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, क्लोरीन का मेटालिक करेक्टर ना होने के बराबर है, क्लोरीन एक गैस है, सही है। तो आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड एन आइडिया ऑफ मेटालिक करेक्टर, ग्रेटर द आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर विल बी द मेटालिक करेक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, अब हम वो फैक्टर पढ़ रहे हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं एटॉमिक साइज। अगर किसी एटम का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा मींस वैलेंस न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा फासले पर होंगे, तो न्यूक्लियस का फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स कम है और हम आसानी से न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। जिस एटम का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब आते हैं न्यूक्लियस चार्ज पर। अगर एटम का न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है, मतलब एटम
के वैलेंस शेल पर जो एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे न्यूक्लियस हाईली अट्रैक्ट कर रहा है, ज्यादा जोर के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको वैलेंस शेल से निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जब अगर न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होगा तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब आते हैं शील्डिंग इफेक्ट पर। जिस एटम का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो, मतलब जिसके इनर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शील्ड कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होगा, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। वो एटम्स जिसके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। एटम्स हैविंग हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, तो इनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो ये थे फैक्टर इफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। अब पढ़ते हैं ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रेंड इन पीरियड्स। पीरियड्स में आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है, तो देखिए जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सक्सेसिवली बढ़ रहे हैं। तो जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है। जब हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है और हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस का फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ रहा है। तो जब न्यूक्लियस का फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। अब आते हैं ट्रेंड इन ग्रुप्स। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहे हैं, एटॉमिक साइज हमारे पास बढ़ रहा है, मतलब हाइड्रोजन में एक न्यू शेल है, हीलियम में दो शेल है, सोडियम में थ्री शेल्स हैं, इस तरह पोटेशियम में फोर शेल्स हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है, जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब यह है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ज्यादा फासले पर होंगे। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से ज्यादा फासले पर होंगे तो हमारे पास इस न्यूक्लियस का चार्ज इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होता जाएगा। हमारे पास जब इस न्यूक्लियस का चार्ज इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होगा तो हम इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो देखिए जब हम टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास इसलिए डिक्रीज होती है क्योंकि हमारे पास एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है, न्यूक्लियस चार्ज हमारे पास कम हो रहा होता है, इसलिए हम आसानी से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो खुलासा करता हूँ, सुन ले अब आपको समझ आ जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी की हमने डेफिनेशन की कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी एटम के को रिक्वायर्ड होती है ताकि उसके वैलेंस शेल से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें। इस तरह के फिनोमेना को हम कहते हैं, इस तरह की एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। हम एटम से एक इलेक्ट्रॉन भी हटा सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर सकते हैं, थ्री इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम किसी एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं और उसके लिए जो हमारे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी।
सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और इसको मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर के बारे में आइडिया प्रोवाइड करती है। अगर हमारे पास किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब यह है कि इसका मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। पर हमने फैक्टर इफेक्टिव आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिए, एटॉमिक साइज, अगर किसी एटम का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, किसी एटम का न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किसी एटम में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो एटम जिसमें हाफ फिल ऑर्बिटल हो या कंप्लीटली फिल ऑर्बिटल हो, इस तरह के एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसकी हाफ फिल या कंप्लीटली फिल ऑर्बिटल हो, तो इस तरह के एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। फिर हमने ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स पढ़ा। जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है, और ये आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास इसलिए बढ़ती जाती है क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता जाता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। अच्छा, ट्रेंड इन ग्रुप्स, फिर हमने ग्रुप्स में इसका ट्रेंड पढ़ा। जब हम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल आते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे होते हैं, न्यूक्लियस चार्ज हमारे पास डिक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं और हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटें, अल्लाह हाफिज़।